लेबनान में हिजबुल्ला सरगना हसन नसरल्ला ने अपने जहरीले भाषणों से एक बार फिर तबाही को दावत दे दी है। पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोट के बाद अब नसरल्ला पहली बार टीवी पर बोलने आया तो इसराइल ने लेबनान पर बम बरसाना चालू कर दिया। इजरायली हवाई हमलों ने दक्षिणी लेबनान में कई बस्तियों को एक साथ निशाना बनाया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार जब नसरल्ला भाषण दे रहे थे तब इजरायली फाइटर प्लेन की आवाज से बेरूत की इमारतें हिल गई। आईडीएफ एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हम वर्तमान में हिजबुल्ला की आतंकवादी क्षमताओं और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। दशकों से हिजबुल्ला ने नागरिक घरों को हथियार बना रखा है, उनके नीचे सुरंग खोद रखी है और नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे दक्षिणी लेबनान एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। आईडीएफ उत्तरी इजराइल में सुरक्षा लाने के लिए काम कर रहा है ताकि यहां के निवासियों को उनके घरों में वापस लौटने में सक्षम बनाया जा सके। वहीं दूसरी ओर लेबनान पर इसराइल के हमले से बौखलाए नसरल्ला ने अपने भाषण में कहा कि इसराइल ने डिवाइस में विस्फोट कर युद्ध का ऐलान कर दिया है। उनके भाषण के दौरान लेबनान के कई इलाकों में इजरायली लड़ाकू विमानों को काफी नीचे उड़ान भरते हुए देखा गया है। हालांकि इजरायल ने कहा कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला की क्षमता और उनके बुनियादी ढांचों को तबाह कर रहे हैं। बता दें कि इजरायल ने पेजर और वॉकी टॉकी हमलों में अपनी संलिप्तता को लेकर चुप्पी साध रखी है। उसने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही किसी जिम्मेदारी से इनकार किया है। हालांकि कई सुरक्षा सूत्रों ने संकेत दिया है कि इस ऑपरेशन को देश की खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया था। आपको बताते चले कि लेबनान पर बीते दो दिनों से इसराइल ने दो बड़े हमले किए। पहले मंगलवार यानी कि 17 सितंबर को पेजर धमाका और फिर बुधवार यानी कि 18 सितंबर को वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस और रेडियो में ब्लास्ट हुए, जिससे कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। मंगलवार को लेबनान में हिजबुल्ला के सदस्यों की ओर से इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर में विस्फोट होने से 12 लोग मारे गए और लगभग 3000 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के अगले ही दिन इसी तरह का एक और हमला हुआ, जब पेजर ब्लास्ट में मारे गए व्यक्ति की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, तभी वॉकी टॉकी में धमाके हुए, इसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए।